बेरहमी से कुचल कर हत्या कर दी जाती है मैडम, कहीं ना कहीं यह क्रूरता को दर्शाना है। क्या कुछ कहेंगे परिजन से भी आप? बिल्कुल, मैं यहीं पे हूँ परिजनों के साथ, और इनकी पीड़ा जो है, मतलब ये समझिए जिस तरह की घटना है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इससे घृणित क्या ही हो सकता है कि कोई इतना तानाशाह हो गया है कि 1,00,000 रुपये वसूली करने के लिए, यहाँ पे रिकवरी करने के लिए रिकवरी एजेंट आते हैं और इस तरह से क्राइम करके और हत्या कर देते हैं किसी का, और गरीब परिवार को सोचते हैं कि इसके लिए कोई नहीं खड़ा रहेगा। तो मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज पहुँचा के और कोई ऐसा रास्ता निकालूंगी कि ताकि आगे भी रिकवरी एजेंट जो जिसको जिसको भी परेशानी होती है, जिसके पास वसूली करने के लिए जाते हैं, जिसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, हो सकता है कहीं मारपीट भी होता होगा, खबरें नहीं आ पाती है, तो वैसे ही रिकवरी एजेंट्स को भी मतलब उनके ऊपर भी एक डायरेक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर भी एक कड़ाई होनी चाहिए कि इस तरह से आम लोगों को टॉर्चर नहीं करें। और ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, ये जो जो भी रिकवरी एजेंट और उनके साथ जो भी लोग ये घटना को अंजाम दिए, उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी और उनको सज़ा भी मिलेगी, कड़ी सज़ा मिलेगी। और अब ये क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं जो भी संभव हो सकता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलूँगी करने के लिए।